वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हाँ, दुरूशी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। लिस्ट में जो है ना, सिर्फ अब वही चीजें रह गई हैं जो कि फ्रिज में रखी हुई हैं, मैरिनेशंस। तो चलिए जल्दी से बाकी की पैकिंग कर लेते हैं। आपको दिखाती हूँ कि इस पैकिंग में मैंने क्या क्या इस बॉक्स में मैंने डाला है। डिस्पोजेबल प्लेट्स, कंटेनर्स, दूध, और ये है ग्लास, ये टिश्यू, वाइप्स और हैंड वॉश और केटल, दैट्स इट। और जो चाय वगैरह का सामान है वो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। फ्रिज में तो इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, अपने वो खुद ही तारीफ कर रही हूँ मैरिनेशन की, क्या मजे की खुशबू आ रही है, बहुत मजेदार। इस दफा रायता मैंने थोड़ा बनाया, पिछली बार मैंने ज्यादा बनाया था, क्योंकि मैं तो ज्यादा खाती हूँ, ये लोग नहीं इतना खाते, तो वो फिर बचा ही रह जाता है। बटर हो गया, लेमन, टमाटो, चिली, अनियन, ये मैंने बॉक्स में डाले थे, रख लिए। मैरिनेशन हो गई, रायता हो गया, कॉर्न हो गए, और रोटीज लेनी है, और क्रोसान एंड मिल्क हो गए हैं। ये रखने जा रहा हूँ, बस ये बॉक्स है ना। हाँ बस ये बॉक्स है, तो मैं रोटियां और क्रोसान जो है वो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लेके आ रहे हैं नीचे बकाला से, ये रखने जा रहा हूँ ना गाड़ी में। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। और दूसरा फिर ये है कि वो इसको आपने सीधा सीधा रखना है, क्योंकि इसमें सामान है वो मैरिनेशन हो रहा है। ठीक है, चलें, ठीक है, डन है, चलो ऑल डन। मीठा कुछ नहीं रखा, खजूरें रख लूं तो भाई शहजाद ने, ये मैंने फिर विटामिन और फिश ऑयल निकाल के रखा और मैंने नहीं खाया, इन्होंने डांटना। सोच रही हूँ इस लिस्ट को यहाँ लगा देती हूँ कि अगली दफा अगर जाना है बारबेक्यू पे तो यही लिस्ट को मैं यूज कर लूंगी ना। और ये है मेरा किचन, साफ सुथरा करके मैं जा रही हूँ, और बस आके जो इजीली मैं बस यही बॉक्स समेटना होगा, दूसरा तो और कोई समेटने वाला फिर इतना सामान नहीं होता, थोड़े से बर्तन होते हैं, बाकी सारा डिस्पोजेबल है, सो कोई ज्यादा मेस नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सामान हम सारा गाड़ी में रखेंगे। बाबा इसकी ये लेंथ कम भी हो सकती है, करना है तो आपने। सामान पड़ा हुआ है हमारा कार में, और यहाँ पे हम आए हुए एडिडास, ये जस्ट ये शूज़ में साइज़ चेक कर रहे हैं, और फिर मिशी का साइज़ लेना है, क्योंकि मिशी को लेने हैं एडिडास के ही शूज़, इसके पास ना ब्लैक नहीं है, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। 33 छोटा है, छोटा है तो 34 ले लें फिर एक ही दफ़ा, थोड़ा अभी लंबा लगेगा, लेकिन अब फिर बात यह कि इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही दफ़ा बंदा एक साइज़ बड़ा लेना सारे, और सेल भी नहीं लगी हुई इस वक्त, अब जब इसको ज़रूरत पड़ी है मिशू को। 5 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं अब, और रश कितना है, वहाँ पे नज़र आ रहा है बीच, और वहाँ पे नज़र आ रहा है बारबेक्यू, और हमें ये ग्रिल मिल गई है। ग्रिल ना मिली होती, खैर हमारे पास हमारी ग्रिल थी, गुड जॉब। इस पे किसी के कोयले जले हुए हैं ऑलरेडी, ये तो इतने नीचे हैं। हाँ चले खैर, ओ हमें इसके लिए सूफरा वैसे लाना चाहिए था, है ना। चले खैर, हाँ लेकिन यहाँ सामान रखने, चले नेक्स्ट टाइम। शहजाद ने पूरा सर्कल ढूंढ लिया, शहजाद होते हामी ने, गुड जॉब गाइस। अब जाए आप लोग सामान लेके आए फिर, हाँ यहाँ पे तो लाइट आ ही जाएगी, वो है ना ऊपर लाइट। आ गई भाई सामान की पहली लॉट, गुड जॉब इली। एक और पार्टी आई थी यहाँ पे ये सर्कल लेने के लिए, तो वो आके सर्वेलेंस करके चले गए, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। बिग लॉट आ रही है, बिग लॉट। ये हो गया हमारा सेटअप। और शहजाद अब जल्दी जल्दी लगाने लगे हैं ग्रिल। नो नॉट येट, इट्स नॉट दैट कोल्ड। तेहामी मिशारी की ख्वाहिश पे हम टेंट भी लेके आए थे, और बड़े मज़े से तेहामी पार्टिसिपेट कर रहा था, बहुत एक्साइटेड थे ये लोग कि हम लोग यहाँ पे आज कैंपिंग करने वाले हैं। एक्साइटेड तो वैसे मैं भी थी, तो मैंने और तेहामी ने सोचा कि चलो हम टेंट लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं रहा था, तो फिर शहजाद अपना जो ग्रिल है वो छोड़ के आए, कहते हैं चलो उसको तो मैं कर ही लूँगा, पहले मैं आप लोगों के साथ ये टेंट फिक्स कर देता हूँ, ताकि बच्चे उसमें बैठते रहें और खेलते रहें, तो हम लोग अपना जो ग्रिल का काम करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह ये फिक्स हो जाता है, और मज़े से हमने रख लिया था, बाकी का काम इसमें तिहामी कर लेगा। इली अंदर बिछा रहा है कारपेट, क्या सेटअप लगाया है जी इली ने। मिशो हाउ आर यू, आर यू एंजॉयिंग? बाबा तो बारबेक्यू बना रहे हैं,
और मिस्टर इली क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं मिस्टर इली। इतना हार्ड वर्क किया है, मैं रेस्क्यू में। हाँ रेस्क्यू में। आपको पानी चाहिए सर? नो थैंक यू। ओके ये श्योर 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 ओके 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 कैच वाओ भी काम कर रहा है। अब ये जाके सारा सामान अंदर रखेगा। ये वाटर जो है सारा मम्मा इस केटल में डालेंगी ताकि ये पानी बॉयल हो जाए। जैसे जैसे बाबा टिक्के बना रहे साथ साथ ये भी बॉयल हो जाएगा। मिशी से ही विला बैठा हम सारे, मैं मम्मा और बाबा, हमारे पास कुछ होता है करने के लिए, मिशी वैसे ही कुछ विलिया मार रहा होता है। बाबा ने इतना किया है कोल के ऊपर काम। मम्मा अब तो काम पे लगने लगी हैं। ओए होए होए ये देखें क्या क्या मम्मा जो है। मुझे वो दो गुड़िया जो बच्चों के लिए मैं रेडी कर रही हूं। हां वो ये वाला है ना। हां मैं एक्साइटेड। यस वेरी एक्साइटेड मम्मा। मम्मा सारा से ही अपना जो है ना पोर्टेबल किचन लेके आती हैं। अब देखें कैसे बनाएंगी ये। हां जी सबसे पहले हम इसको लगाएंगे अनियन, फिर उसके बाद हम एक पीस थोड़ा सा मूव प्लीज बेल पेपर। मिश स्मेल दिस ठीक है। स्मेल दिस बड़ी मजे की स्मेल आ रही है। हाँ वाओ ये नहीं भूख लगी है बहुत ज्यादा। मैं मरने वाला हो गया। व्हाट अबाउट यू मिशु, आर यू हंग्री? मिशु आर यू हंग्री? Come here, come here. Tell me, what do you want? I want mulai. Wow, Mishi is really, really hungry. Wow, Mishi, ab itna fast ho gaye, dekhen. Pata nahi chal raha hai, Mishi hai. Oh my God. Wow. Ja rahi hain. First chicken of the day, I guess. Ye dekhen, main bol raha tha na. Ye dekhen. What? वेट साइड को खो गई है और दूसरी रॉ साइड। अच्छा अभी नहीं हुई ये तो मेरे कुकिंग का हाल है। ये मेरी ओह माय गॉड वाओ वेरी गुड। पता है वाओ इतनी फास्ट जा रही हूँ मम्मा देखें। आप तो देखिए लेट मी ट्राई। अब मिशी दिखाएगा आपको मम्मा शो ऑफ करने के लिए। आप उसके इतना फास्ट जा सकते हैं? नहीं ओके बेचारे तो लगे हुए टिक्के बनाने में। बाद में शराद की भी टर्न देखें, बाबा की टर्न। चले जी इली's turn. I'm gonna go really, really fast, faster and light. Okay. Do it, Ili. Oh. देखें बाबा इसको हवा दे रहे हैं क्योंकि टिक्को को गर्मी लग रही है इस वक्त। मुझे भी लग रही है लेकिन ताकि वो जो है ना वो स्वेट ना करें इसीलिए बाबा उनको हवा दे रहे हैं। यस कल बच रहे थे कॉर्न, वो आज यहाँ भी आ गया। नहीं आज भी आपको कॉर्न खाना पड़ेगा। कल मैं इससे बचता फिर कि मैंने खाना नहीं था और ये देखें मम्मा लेके आ गई हैं। नहीं मेरा बस ठीक मुझे लगता है ये। चलो जी मम्मा बना रही है सिट्टे। आपको मम्मा रेडी ना ले दे हैं रेडी मुझे नहीं बोलना था उस तरह। नहीं आई एम गुड थैंक यू। What is you? Huh? वो वाह ये देखें। सबसे बड़ा वाला कौन थे हमें के लिए? क्या? सबसे बड़ा कौन थे हमें? नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं। हमें आपको ताकतें बनानी चाहिए। माशाल्लाह हाइट बढ़ रही है। देखें यार अब देखें ऐसा जुल्म ना करें। मैं घुस गई उसमें कैंप में। मजाक कर रहा हूँ। देखें मम्मा को भूख लगी हुई तो इस तरह ही करती हूँ मम्मा। कॉर्न जल गया। अचीवमेंट अनलॉक्ड बर्न्ड कॉर्न न्यू रेसिपी। जला दिए कॉर्न हमने। ये तो मम्मा मैं खा ले मैंने खा लिया फिर है ना। छिलका जला हुआ ऊपर से अंदर से सही है। ओह मुझे लगता है खाना पड़ेगा। मुझे फाइनल स्टेजेस पे आ गया कि बाबा इसको बटर लगाएंगे। चलो मम्मा भी आ गई। ओह यम्मी
इतना स्मोक निकल रहा है उसमें से. उफ रियली ओह विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है वो सारा. वो अब बाबा निकाल देंगे ये. क्या कमाल की थी हामी मजा आ रहा है. ऑफ कोर्स ये ओए होए होए माशाल्लाह क्या लुक आई है उनकी. कौन भी निकल आए हैं देखते हैं कि अंदर से कैसे लगते हैं. मुझे लगता है पक गए होंगे ना. हाँ ये बहुत कंफर्म्ड एस्टिमेट है फ्रॉम क्वीन नौश. आ गई है स्पाइसी को लेके. ये देखें जी उफ मेरा दिल चाह रहा है इनको भी. मम्मा मेरे कौन से हैं फिर हैं. आई थिंक मेरा भी इसमें पीस है ना मम्मा. हाँ ओए होए होए ये देखें इतने जूसी हैं. जब बाबा इनको उठा रहे थे ना तो लिटरली वो जेली टाइप से लग रहे हैं. मतलब अच्छा खासा ही जूसी है ये. वो देखें बाबा इनको ऐसे लॉक कर देते हैं. दिखाएं बाबा चले जी लेट्स गो. ओए सबसे फास्ट बाबा ने किया अभी तक. सेकंड नंबर पे बाबा है. वाओ चेक करें बाबा तिक्को से फ्री हो गए हैं वहाँ. ओ बल्कि पड़े हुए हैं वहाँ. और ये देखें जी हमारी टेंट वाली सिचुएशन है. हम इनको यहाँ ऐसे टाई करें. पहले हम ये सोचे थे कि ये कैसे खुलेगा ऐसे ही तो. लेकिन यहाँ एक मैंने डिस्कवर किया कि एक नॉट टाइप सी है जो यहाँ लग सकती है. और मम्मा इस साइड का कर रही हैं. हाँ थैंक यू. तो अब ऐसे खुल जाएगा ताकि जिसने भी अंदर खाना है बैठना है तो बाहर का अच्छी तरह से व्यू आ जाएगा. हाँ देखिए हम सारू की प्लेट्स बन रही हैं. अभी के लिए मैं 2 ले रहा हूँ. ये मिशी का है. ये आपका है मिशी का है. मिशी का है ना. हाँ फिर ये चटनी है जो एक बाबा के पास होगी वहाँ. और फिर हम थोड़ी थोड़ी करके लेंगे वहाँ से. तो यहाँ बाबा ये बना रहे हैं. ओए होए होए ये देखें ज़रा. बाबा को सही मज़े की हीट मिल रही होगी है ना. वार्म सी Guys, how is it? Super yummy. Thank you, Mama and Baba. और पकवान भी अच्छा है बताएं. अच्छा पकवान. आप नहीं खा रहे? खा रही हूँ साथ. अच्छा. बच्चे तो सही enjoy कर रहे हैं camping. अब मज़ा आ रहा है सही वाला. अपनी मर्जी से camp लगाया हुआ है और ये सारा area जो है ना ये ऐसे boundary सी बनी हुई है. इसके अंदर हमारा है ये सारे. मिशी को corn भी चाहिए तो कॉर्न लेने में आई हूँ. और बाकी अब मैं रिश्तेदार के साथ बैठ के खाऊंगी. नहीं छोटा वाला मिशी को दूंगा जो दिल करता है जैसे. हाँ कुक गए मजे की बात है. मैंने कहा था ना वो छिलका हो गया होगा बस बाकी जबरदस्त हुआ होगा. अच्छा नरम नरम है वो. जैसे वो लेते हैं ना पाकिस्तान में वो रेडियो से कि हार्ड हुआ होता है वो नहीं है. बहुत सॉफ्ट वो इसलिए उनके पक पक के ड्राई हो चुका होता है ना वो. ये भी तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. ज़बरदस्त शदार बिल्कुल भी ये डार्क नहीं हुए. क्या कमाल की लुक आई है माशाल्लाह. शदाद क्या कर रहे हैं? शदाद तो ग्रिल कर रहे हैं जनाब रोटी. आहा हा हा. ये मेरी चटनी और एक अदद लाल मिर्च. ओए होए होए शदाद मज़े करा दिए. मज़े आपने करे करके. दोनों ने एक दूसरे को आज मज़े कराए हैं. अनियन ये मुझे तोड़ देते हैं हाफ से. थैंक यू माशाल्लाह मज़ा आ गया. मज़ा आ गया. मज़े का बना हुआ है. चलो गुड. ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म टिक्के खाए हमने. बहुत मज़ा आया. पहाड़ों में एक वो व्यू होता है एक सीनरी होती है उसका एक अपना मज़ा होता है. लेकिन अब मैं अपना बताऊँ मुझे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया. शहजाद को हमेशा पहाड़ों में मज़ा आता है तो मुझे लगता है कि वो ना मेरे लिए शायद पता नहीं कैसे इनकन्वीनियंट हो जाता है. आप बताएँ कि क्या आपका भी यही हाल है? मुझे इस तरह की जगह ज़्यादा कन्वीनियंट लगी कि जिसमें सुकून से बैठ सकते हैं. तो आप बताएँ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बाबा अपना खाना खा रहे हैं. मम्मा को एक्सट्रीम स्पाइस लगी हुई है. और वो उधर मिशी बैठा हुआ है शूज़ पहन रहा है. मैं यहाँ बैठा हूँ
इधर मम्मी पापा के साथ। कैंपिंग का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा और अर्ली आएंगे ताकि कैंप में बैठ के हम बोर्ड गेम्स खेल सकें। हम लेके आए हुए थे लेकिन आज हमने नहीं खेली थी, और साथ में दो तीन बार चाय के सेशन भी लगने चाहिए कैंप में बैठ के। तो खैर ओवरऑल बहुत मज़ा आया। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है ना बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। यही वजह है कि हम फ्रेंड्स के साथ जो गैदरिंग्स है ना उनको सिर्फ घर तक ही हम लोग लिमिटेड रखते हैं, और जो भी दावतें वगैरह हम लोग करते हैं या वैसे ही कोई फ्रेंड्स रैंडम प्रोग्राम बनाएं कि हम आपके घर आ रहे हैं तो खाना मिलके खा लेते हैं। बच्चे तो उस वक्त भी कनेक्ट हो ही लेते हैं आपस में। दूसरी बात यह कि बच्चों के स्कूल में इतने फ्रेंड्स होते हैं, फिर यहाँ पे जिस जगह पे अब हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे बच्चे इकट्ठे होकर बाहर भी खेल लेते हैं, तो इस वजह से ना बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपस में। लेकिन हम जो बड़े हैं ना, मैंने ये डिसाइड किया हुआ शहजाद के साथ मिलकर कि हम फ्रेंड्स आपस में घरों में ही बस इकट्ठे होते हैं, और जब भी हम लोगों ने बाहर जाना होता है ना हम सिर्फ अपने बच्चों के साथ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी इतनी फास्ट है ना बच्चों को टाइम दे सकें, और बॉन्डिंग जो है ना वो हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ होती है। घर में बैठ के जितनी मर्जी बच्चों से बातें कर लें, गपशप लगा लें, वो गपशप हमेशा लेक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने तो यही देखा है। तो घर में वो बॉन्डिंग नहीं बनती जितना बाहर बच्चों के साथ घूमते हुए। जरूरी नहीं है कि महंगी एक्टिविटीज़ करें, जैसे कि कुछ खाना शाना बना के बाहर ले गए लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ बैठे इंजॉय किया। तो कभी अगर आपने ये नहीं ट्राई किया ना और आप हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही बाहर जाते हैं, तो ट्राई करके देखना कि सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को बाहर जाकर टाइम दें, तो फिर उसके बाद पूरे दो तीन हफ्ते तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स अपने बच्चों पे देखिएगा आप, नोट करना, और फिर हमें दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो ट्राई करके देखना। ये शहजाद की कॉफ़ी, ओके आप इसमें डालेंगे मिल्क? अच्छा कैन आई हैव मिल्क? वन मिनट, वन मिनट, लेट मी, इट्स वेरी हॉट। थैंक यू, थैंक यू, इट्स वेरी हॉट। कैन आई हैव मिल्क? आई विल ऐड मिल्क फॉर यू। पहले मिशी को दे देता हूं, उसकी सब्र जो है ना खत्म हो जा रहा है। All of this milk for Mishu. Because I'm the king. Yeah, and all of this milk. Oh, Mishu, तय खत्म हो गया, बस मैं ऐसे ही पीऊँगी। What? शुक्र है मम्मा एक और लेके आई हुई है, शुक्र है। मम्मा चार लेके आई हुई है। यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी। हाँ, मैंने वाकई रिकॉर्डिंग रोक दी थी। मैंने कहा बस खत्म हो गया। बस मैंने बात करता आप लोगों से। हाँ जी, बस काम खराब हो गया। It's very hot, but wait, wait, wait. It's not that hot. It's good. Show me your face, Mishu. Yeah, it's good. That's my boy. Yeah, but it's super duper hot. Be careful. Haan ji. Wow ji, wow. Sare baith ke chai pee rahe hain. Can I have one more spoon? One spoon for me. Okay, okay. Ek aur. Mishu, how is it? हम लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे मिशू को देख के कि मिशू फर्स्ट टाइम चाय ट्राई कर रहा है, और मैं हैरान हो रही थी कि मिशू को तो बड़े मज़े की लग रही है। शायद बच्चों को शौक होता है ना बड़ों की तरह एक्ट करने का, बिहेव करने का। तो तिहामी जैसे प्राइम पी के तो डांस करने लग जाता है ना, आपने देखा था उसको कैंप में। आप सबको उसका डांस बहुत पसंद आया था। तो उसी तरह मिशू चाय पी के फील कर रहा था कि वो बड़ा बड़ा सा हो गया, और वही सेम डांस मिशू ने चाय पी के करके दिखाया है। तो हम लोग सारे बड़ा हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। एनीवेज, तो ये थी हमारी मज़ेदार किस्म की का एक कैंपिंग ट्रिप, और फिर उसके बाद हमने सामान समेटा। प्लान तो ये था कि चलो एक दफ़ा चाय और पी लें, बट वॉशरूम यहाँ पे थे तो साफ, लेकिन इतना ज़्यादा रश था ना कि लाइन में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, और हमने कहा कि चलो भाई घर ही चलते हैं तो एक ही दफ़ा वॉशरूम तो जाएं। तो इससे पहले कि मिशी शोर डाल दे तो चलते हैं घर। तो हम लोगों ने सामान समेटा और फटाफट हम लोग भागे घर की तरफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।